फ्रेंड्स, यहाँ पे मंदिर सजा रही हूँ और सुबह का बज रहे हैं 4:30 और मैं नहा वहा के आ गई हूँ। तो मैंने नहा के ना पहले आके जल्दी से माता का दरबार ही लगाने लग गई थी, क्योंकि शाम को नहीं कर पाई थी और मुझे शाम को अच्छा भी नहीं लगता है। और हाँ, वीडियो में पूजा का कुछ खास नहीं बनाई थी, क्योंकि पूजा करते हुए जब वीडियो बनाते हैं ना तो ध्यान भटकता है, और नवरात्रि का पहले पहला दिन है तो मिस नहीं, बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते थे पूजा। तो मैंने अच्छे से पूजा करी, मंदिर गई, उसके बाद मैंने कहा चलो अच्छा हवन का वीडियो थोड़ा सा बना देती हूँ। तो हवन में थोड़ी सी वीडियो बनाई थी और इसके बाद आरती का बना दिया था। बट आरती हमारी हो गई है, कंप्लीट हो रही है, और हम तीनों लोग मिलके आरती किए, अम्मा और हस्बैंड और मैं तीनों लोग किए, और माता रानी का दर्शन आप लोग भी कर लो। बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी माता रानी, और कुछ इस तरह से हमने जो माता का दरबार था ना तो लगा दिया था। और ये पता नहीं लाइट की वजह से क्यों थोड़ी सी ना, ये बहुत है डार्क है रेड कपड़ा जो है, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा ढेर सा सारी वीडियो में ना शुभकामनाएं। फीका सा चलो दिख इस रहा नवरात्रि था। का पहला दिन है और स्टार्ट हो गया सुबह से काम, तो पूजा पाठ हो गया है और दिन भर देखते हैं क्या क्या करते हैं। नवरात्रि का व्रत तो रहता है लेकिन खाने पीने में भी कोई कटौती नहीं होती है। तो चलिए आलू उबलने के लिए रख देते हैं। क्या बना, क्योंकि त्योहार है तो पूछना भी पड़ेगा कि क्या बनाऊं है, बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। और तो नाश्ते में हम बनाएंगे साबूदाना बड़ा। तो साबूदाना बड़ा बनाने के लिए साबूदाना हमें भिगा देना है थोड़ी देर पहले से ही। तो यहाँ पे 1.5 कप हमने साबूदाना ले लिया है, मतलब कटोरी से नाप कर रही हूँ आज, तो मैं कटोरी से 1.5 कटोरी साबूदाना ली हूँ। और इसे अच्छे से हमें जो है ना वॉश कर लेना है 3-4 बार, बहुत बढ़िया से इसे मल के धुलना होता है। जो इसमें पॉलिश होता है ना, पॉलिश को छुड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साबूदाने के धुलने धुल के हम 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए भिगा देते हैं, तब तक बाकी हम तैयारी कर लेते हैं। जैसे कि हम जो पूजा वगैरह करते हैं, बहुत लंबा खींचते हैं पूजा पाठ को, या कोई भी काम एक्स्ट्रा करते हैं, तो उसमें ये होता है कि जो हमारे काम होते हैं वो छूट जाते हैं। तो काम हमने साबूदाना भिगा दिया है और आलू उबलने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय भी अभी तक नहीं हम लोगों ने पिए हैं, तो चाय भी पी लेंगे। साथ साथ सारे काम करती रहती हूँ फ्रेंड, जैसे जैसे होता जाता है काम। बट ये घबराना नहीं रहता कि मैं घबरा जाऊँ काम करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हम घबराने लग जाएंगे ना तो काम बिल्कुल भी नहीं होगा। पूजा करने में हमारा जो है ना 9 बज गए थे, तो सुबह मैं 3:30 बजे उठ गई थी, और पूजा खत्म कंप्लीट करने में मेरा 9 बज गए थे। क्योंकि ऐसा हुआ था कि जैसे कि सारे काम सुबह शाम का करना, सफाई तो एक दिन पहले ही क्लीनिंग हो गई थी, लेकिन पूजा के दिन था तो कुछ करना जरूरी था। तो साथ में मैंने चटनी बना के भी रख देती हूँ चाय वगैरह पीने के बाद। तो यहाँ पे धनिया पत्ती लिया, थोड़ा सा इसमें डाल दिया अदरक, थोड़ा जीरा और 3-4 हरी मिर्ची डाल दिया है, और नमक सेंधा वाला नमक है जो व्रत में खाते हैं, और उसके बाद हम इसमें दही ऐड कर देते हैं। तो ये लाइट ग्रीन चटनी बनके तैयार हो जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। आप जब बनाओगे ना तो खुद ही आपको अच्छा लगेगा। और व्रत वगैरह में जब हम ऐसी चीज़ें चटपटी से थोड़ा खाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं पे हम लोग एकादशी में ना व्रत में नहीं खाते हैं, नमक तो बड़ा फीका सा लगता है, लेकिन इसमें तो खाते हैं, सब लोग खाते हैं। तो 2-3 घंटे बाद देखिए, जब हम बना रहे थे इसे ना नाश्ते को, तो साबूदाना बिल्कुल खिला खिला सा, इसमें थोड़ा सा हमने जीरा डाल दिया है और 2-3 हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके नमक ही व्रत वाला ही ऐड किया है। और यहाँ पे ये मूंगफली का पाउडर हमने बना लिया, पाउडर नहीं कहेंगे, दरदरी सी मूंगफली भुना था और इसे दरदरा पीस लिया था, बस वही वाली मूंगफली हमने इसमें ऐड कर दिया है, खूब दरदरी। इसमें आप चाहो तो चॉपर से चॉप भी कर सकते हो। थोड़ी सी इसमें चटपटा होने के लिए हमने डाल दिया है दरदरी कूटी हुई लाल मिर्ची, और 2 आलू डाला है, ये उबला हुआ आलू है, कद्दूकस करके डाल देती हूँ इसमें। और यहाँ पे ले रही हूँ धनिया की पत्ती, बहुत ही हरा हरा धनिया की पत्ती है जो गार्डन में हुआ है, तो मैं वहाँ से लाई थी, बहुत ही देखने में अच्छे लगते हैं धनिया की पत्ती से। बस इसे मिक्स कर देना है अच्छे से, बस हाथ में थोड़ा सा वाइल लगा लीजिए और इसे गोल गोल पहले बना दीजिए, बस इसे एक टिक्की का शेप दे दीजिए। आप सिर्फ जैसा चाहो उस तरह से अपने हिसाब से कर सकते हो, बट बनाना बहुत अच्छा है। हाँ, इसको थोड़ा चिकना बनाइएगा, जैसे हाथ में वाइल लगा के, जब इसमें थोड़ा सा खोखला सा रहता है ना तो इसमें वाइल बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो बड़े बन गए हैं और हमारा जो घी है वो भी बिल्कुल रेडी हो गया है, गर्म हो गए, और ये डाल दीजिए फटाफट से, चिपकता बिल्कुल भी नहीं है, आराम से हो जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब हम इसमें डाले और एक दूसरे में चिपक गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये
बहुत ही है। और हाँ, जब हम कोई पकौड़ा वगैरह बनाते हैं हाई फ्लेम पे पकाते हैं ना, तो ये अंदर ऑयल कम जाता है और पकौड़े पक जाते हैं। बस इसे थोड़ा सा पतला ही आप रखिएगा ताकि फटाफट से हो जाए। तो ये देखिए, इसे पकाने में 5-6 मिनट ही लगे थे और हो गए थे। ठीक है, तो इस बैच को हम निकाल देते हैं प्लेट में और दूसरा बैच जो है उसे भी ऐड कर देते हैं। मतलब पूरे पकोड़े जो है हमारे ना, ये बनेंगे कम से कम 4 बैच में बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा ज़्यादा था ना साबूदाना, और उसमें 2 आलू भी ऐड कर दिया था, प्लस उसमें मूंगफली भी गया था, तो थोड़ा बढ़ गया था। अब देखिए, हमने लगा दिया है बढ़िया सा प्लेट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है। और हाँ, ये थोड़ी सी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखिए, बस एक तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है ना, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा इसी नवरात्रि में। आप लोगों के साथ जरूर अच्छे से शेयर कर रही हूँ, और देखिएगा बना के कैसा लग रहा है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और व्रत में तो बिल्कुल मजा आ जाता है, क्योंकि व्रत में ना क्या होता है कि मुंह फुड़के में कुछ भी खाओ फीका फीका सा मुंह लगता है। तो उसके लिए तो ये तो सोने पे सुहागा है। तो आप कभी भी इसे बनाइए, खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, ये यार बिना व्रत के। अब शाम का समय है, अब हस्बैंड आते होंगे ऑफिस से, तो मैं कह रही मेरे आने से पहले ज्योत बत्ती से करने से पहले मैं यहाँ पे आलू की सब्जी बनाऊंगी। तो हमने घी डाल दिया है 2 चम्मच, इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया, 3-4 हरी मिर्ची लंबे स्लाइस में हमने कट करके ऐड कर दिया है, 2 टमाटर हमने बारीक कट करके और इसमें ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डालने, ज़्यादा नहीं डालने, बस थोड़ी सी डाला है। नमक हमने व्रत वाला नमक ऐड किया है, स्वाद अनुसार आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे हमने इसमें 1/2 चम्मच ऐड किया है। ठीक है, अब इसे भुनने के बाद बस फटाफट से इसमें आलू डाल दिया, जो आलू हमने उबाल कर रखा था ना, मैंने बोला था ना उबालने के लिए रखा है, बस उसी से हमारे सारे काम हो गए। इसी से बड़े भी बन गए हैं, और जिसे हमने बनाया पूड़ी बनाना है, इसी से पूड़ी में से हमने 2 आलू बचा दिया है। इस तरह से आप थोड़ा सा सोच कर रखिएगा तो सारे काम फटाफट से हो जाएंगे। एक बार आलू उबालिए और इसमें सारी चीज़ें हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें पानी आप डाल दीजिए। जैसे पानी हम डाल रहे हैं ना, तो आप अपने हिसाब से, जैसे आपको थोड़ा ज़्यादा तरी पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, कम पसंद है तो आलू पानी थोड़ा सा कम डाल दीजिए। और ये वाली सब्जी ना बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे रोटी चावल के साथ भी खा सकते हो। और हाँ, कुट्टू का आटा लगा रही हूँ, कुट्टू नहीं मतलब सिंगाड़े का आटा, तो इसके हमने 1.5 कप ले लिया सिंगाड़े का आटा, और वैसे मैं कहूँ तो ये 250 ग्राम हमने सिंगाड़े का आटा ले लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा है धनिया की पत्ती ऐड कर दे रही हूँ, और ये मैंने कहा जैसे 2 आलू कद्दूकस करके डाल दिया और आटा लगा के साइड में रख दिया है। तब तक सब्जी भी रेडी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो इसमें भी धनिया की पत्ती ऐड करके ऐसे निकाल देते हैं, मतलब बाउल में निकाल लेते हैं। चलो देखिए कितने बढ़िया सी हमारी जो है सब्जी ना बन के तैयार है। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया, इसमें कुछ भी नहीं है। आटा भी हमने थोड़ा सा इसे मसल लेना है हाथ से, जब मसल लेंगे ना तो जब पूड़ियाँ बनाएंगे फटेगी नहीं और बहुत आराम से हो जाएगी। हाँ, ये है फ्रेंड्स, इस चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ये वाली आटा लगा के रखो तो बहुत ज़्यादा देर मत रखिए, वरना ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा टाइट डो लगाइए और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, मतलब थोड़ी देर ही छोड़िए, ज़्यादा नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर इसके 10 मिनट छोड़ोगे ना तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट आटा लगा के रेस्ट पर छोड़िए। ठीक, और यहाँ पे हमने पूड़िया बनाना स्टार्ट किया है। अभी तो हमने बेल के बनाया था, लेकिन आज चाहो तो इसे हाथ पे भी ऐसे बढ़ा के इस ये पूड़ी बना सकते हो, मतलब दोनों आपके सुविधा है, हाथ पे भी इसे बेल बढ़ा सकते हो और ऐसे भी बेल सकते हो। ठीक है, तो हमारी सारी पूड़ियाँ जो है बिल्कुल रेडी हो गई हैं, बस थोड़ा सा बचा है। तब तक हम इधर किचन भी सेट करते रहेंगे, पूड़ियाँ भी बेल के रख दिया है तो बचे हुए हैं, तो सारी चीज़ें साथ साथ करती हूँ फ्रेंड्स ना, तो जल्दी से काम हो जाता है, वरना थोड़ा सा वो लगता है। और हाँ, अभी शाम हो रहे हैं ना, तो ज्योत बत्ती का भी समय हो जा रहा है, तो मैं बना के रख दूंगी, उसके बाद में ज्योत बत्ती आराम से करूंगी, क्योंकि लंबा हमारा शाम में भी पूजा बहुत लंबा जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, सारी चीज़ों को करके फिर हम देखे प्लेट लगा दिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कैसी।